दस्तरखान रेसिपी हब में आपका स्वागत है। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट रेसिपी आपसे मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे लौकी की बर्फी बिल्कुल हलवाई स्टाइल। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर मैंने 700 ग्राम की लौकी ली है। इसकी हमें आगे और पीछे दोनों पोर्शन हमें निकाल लेना है इस तरह। तो चलिए अब हम लौकी को पील कर लेते हैं। देखिए इस तरह सारे छिलके हमें निकाल लेना है। आप इसे थोड़ा सा चख लें क्योंकि कई बार लौकी कड़वी भी होती है। तो चलिए यहाँ पर मैंने लौकी को छील लिया है। अब हम इसे दो भाग में डिवाइड करेंगे ताकि हमें इसे ग्रेट करने में आसानी हो। तो चलिए लौकी को हम ग्रेट कर लेते हैं। लौकी का हमें बीज का पोर्शन जो नर भाग होता है उसे नहीं लेना है। देखिए इस तरह बिल्कुल अच्छेदार लौकी हमें ग्रेट करना है। तो चलिए यहाँ पर मैंने सारी लौकी को ग्रेट कर ली है। देखिए इस तरह हमें नरम भाग इसका नहीं लेना है। अब लौकी को हम दोनों हाथों में इस तरह दबाकर इसका सारा पानी निकाल लेंगे। यहाँ पर मैं बहुत ही कम क्वांटिटी में बर्फी रेडी कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप इसे ग्रेट करके पानी में ऐड करें, वरना ये काली पड़ सकती है। तो चलिए यहाँ पर वॉक भी हमारा गर्म है, ग्रेट की हुई लौकी इसमें ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम मैंने यहाँ पर मीडियम रखी है। अब इसमें हम हाफ कप मिल्क ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे इसे। बीच बीच में इसे चलाते रहें। दो मिनट तक मैंने इसे इस तरह कुक किया है। अब लो फ्लेम पर इसे बिल्कुल ढककर हमें 5 मिनट के लिए कुक करना है। चलिए 5 मिनट हो गई है, लौकी सॉफ्ट हो गई है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम हाफ कप शुगर ऐड करेंगे। आप जितना स्वीट पसंद करते हैं उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे जैसे शुगर मेल्ट होगी ये अपना पानी रिलीज़ करेगी और उसी पानी में लौकी भी कुक होगी। चलिए वापस इसे ढकते हैं। देखिए 3 मिनट मैंने इसे ढककर कुक किया है। अभी भी शुगर का पानी काफी ज्यादा है। अब इसमें हम 2 पिंच ग्रीन फूड कलर ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है लेकिन हलवाई स्टाइल जब बनाना चाहते हैं आप तो ये ग्रीन फूड कलर जरूर से ऐड करें, इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। देखिए बहुत ही प्यारा कलर आया है। अब हम इसे ढके बिना कुक करेंगे।
यहाँ पर हाफ कप मिल्क पाउडर ऐड किया है मैंने। अगर आप खोया ऐड करना चाहते हैं तो खोया ऐड कर सकते हैं, मिल्क पाउडर स्किप कर सकते हैं। हाफ टी स्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे, अच्छे से मिलाएंगे इसे। देखिए अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अभी इसमें मॉइस्चर बहुत ही ज्यादा है, इसे हमें मिक्स करते रहना है। थोड़ी थोड़ी देर में इसे स्टर करते रहें। अब इसमें हम 3 टेबलस्पून प्योर घी ऐड करेंगे। घी से ये तले में लगेगा नहीं और इसमें बहुत ही अच्छा सा एक ग्लेज आएगा। मिक्स करेंगे इसे। देखिए ठीक होना शुरू हो गया है, लेकिन हम इसे थोड़ी देर और कुक करेंगे। जमने वाली कंसिस्टेंसी तक इसे कुक करना है। अब इसमें हम नट्स ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने काजू और बादाम ऐड की है। मिक्स करेंगे इसे। गैस की फ्लेम मैंने यहाँ पर मीडियम रखी है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ठीक होने लगा है और साइड से घी छूटने लगा है। चलिए स्टेज पर हम गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं। आप इसे डिश में भी सेट कर सकते हैं या इस तरह का कंटेनर ले लें। स्पैचुला से इसे अच्छे से सेट कर दें। यह अभी बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। चलिए इस पर नट सेट करते हैं। यहाँ पर मैंने काजू और बादाम लिए हैं, आप अपने मन चाहे नट सेट कर सकते हैं। बहुत ही मजेदार हमारी बर्फी रेडी हुई है। स्पैचुला से इसे सेट कर लें, हल्का सा प्रेस करेंगे इसे। अब इसे हमें 2 घंटे के लिए फ्रीज में रखना है सेट होने के लिए। उसके बाद हम इसके पीसेस कट करेंगे। तो 2 घंटे हो गए हैं, देखिए बहुत अच्छे से सेट हो गई है बर्फी हमारी। आप अपने मन चाहे इस शेप में इसे कट कर लें, छोटे या बड़े आप जिस शेप में इसे कट करना चाहते हैं इस तरह पीसेस कर लें इसके। बहुत ही यम्मी और बहुत ही मज़ेदार बर्फी हमारी रेडी हुई है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल। ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो लीजिए लौकी की बर्फी हमारी रेडी है, जरूर से ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।